आज के दिन दोस्तों किसी भी देश के लिए ना ये बात बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि उस देश की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहे और देश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता रहे। इकॉनमी में दोस्तों इकॉनमी को मापने का जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है ना वो होता है दोस्तों GDP पर कैपिटा, जिसके चलते पूरे देश की GDP को ना पर पर्सन के हिसाब से मापा जाता है। और इसमें अगर दोस्तों कहीं PPP को ऐड कर दिया जाए फिर तो GDP बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही दर्जे की मानी जाती है, बेस्ट परफेक्ट आंकड़े निकलते हैं। क्योंकि दोस्तों PPP के हिसाब से जब हम GDP पर कैपिटा को देखते हैं ना तो वहाँ परचेसिंग पावर पैरिटी की भी दोस्तों इंक्लूडिंग हो जाती है, जिसके चलते हमें पता चलता है कि किसी देश में कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई को भी पूरा काउंट किया जाता है। जैसे अगर दोस्तों कोई इंडियन के पास 10,000 रुपये होंगे तो वहीं दूसरी तरफ अगर किसी अमेरिकन के पास 10,000 रुपये होंगे तो इंडियन के पास ज़्यादा पावर होगी चीज़ें खरीदने की, क्योंकि इंडिया में 10,000 रुपये में ज़्यादा आप चीज़ें खरीद सकते हैं अमेरिका के मुकाबले। तो इस तरीके से दोस्तों अगर सेम आंकड़ा निकलता है किसी देश की इकॉनमी का GDP पर कैपिटा का, लेकिन इन्फ्लेशन में जो देश दोस्तों अच्छा परफॉर्म करता है, जहाँ पर महंगाई कम होती है ना, वो देश आपको PPP के हिसाब से आगे निकलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए दोस्तों अभी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज मैं आपको 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जो 1850 के साल में ना GDP पर कैपिटा के मामले में PPP के हिसाब से सबसे ज़्यादा अमीर थे। तो वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 10 की अगर दोस्तों हम देश की चर्चा करें तो नाम आता है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड देश का रुतबा आज भी आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का देखने को मिलेगा। और दोस्तों हिस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री हुआ करती थी और यहाँ ना पैसे की कभी भी आपको लोगों के पास कोई खास तंगी देखने को मिली नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूजीलैंड देश की दोस्तों GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से 1850 के साल में $2,195 हुआ करती थी। और उस दिन दोस्तों उस जमाने में न्यूजीलैंड पूरी दुनिया की 10वें नंबर की ऐसी कंट्री हुआ करती थी जहाँ के लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा हुआ करता था और जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। वैसे समय बदल चुका है, 150 से भी ज़्यादा साल बीत चुके हैं और आज के दिन न्यूजीलैंड 10वें से 30वें नंबर पर आ चुका है और इसकी GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $50,411 को टच कर चुकी है। आगे बढ़ते हुए चर्चा दोस्तों नंबर 9 की करें तो नाम आता है अर्जेंटीना का। हिस्ट्री इसकी बड़ी क्लियर रही है, बड़ी कमाल रही है। इस साउथ अमेरिकन कंट्री ने ना हिस्ट्री में बड़े अमीरों वाले दिन देखे हैं, लेकिन प्रेजेंट इसका काफ़ी ज़्यादा दोस्तों काला, काफ़ी ज़्यादा बुरा है। जिस अर्जेंटीना ने दोस्तों एक समय अमीरी देखी थी वो आज के दिन गरीबी से थोड़ा परेशान ज़रूर है। अर्जेंटीना देश की दोस्तों GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से 1850 के साल में $2,217 हुआ करती थी और उस ज़माने में ये 9वें नंबर की सबसे अमीर दर्जे की कंट्री थी। लेकिन आज के दिन उसी दोस्तों अर्जेंटीना की आपको अमीरी थोड़ी तो नीचे जाती हुई नज़र आएगी और 9वें नंबर की वो अमीर कंट्री आज के दिन आपको 63वें नंबर पर नज़र आने वाली है। हालांकि दोस्तों GDP पर कैपिटा तो बढ़ेगी ही PPP के मामले में और ये $25,822 तक पहुंच गई है। नंबर 8 की ओर बढ़े तो नाम आता है डेनमार्क का। डेनमार्क का रुतबा दोस्तों उस ज़माने में ना बड़ा ज़्यादा हाई हुआ करता था और आज भी इसका रुतबा आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का ही देखने को मिलने वाला है। 1850 के साल में ना दोस्तों डेनमार्क देश की GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी $2,285 के आसपास। और इस आंकड़े के साथ ही दोस्तों उस समय डेनमार्क पूरी दुनिया का 8वें नंबर का देश हुआ करता था जहां के लोग ना सबसे अमीर हुआ करते थे। हालांकि आज के दिन दोस्तों ये 8वें नंबर से 11वें नंबर पर आ चुका है अमीरी के मामले में, लेकिन इसकी GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $69,273 को टच करती है। नंबर 7 की ओर बढ़े तो नाम आता है कैनेडा का। उस ज़माने में भी दोस्तों ये बड़ा अमीर देश था, उस ज़माने में भी इसका बड़ा रुतबा था और आज प्रेजेंट समय तो में तो कैनेडा एक बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की कंट्री मानी ही जाती है। 1850 के साल में दोस्तों कैनेडा की GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $2,357 हुआ करती थी और उस समय दोस्तों कैनेडा पूरी दुनिया की 7वें नंबर की सबसे अमीर कंट्री हुआ करती थी जहां के लोगों की परचेसिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग थी। लेकिन आज के दिन दोस्तों वही कैनेडा जो 7वें नंबर पर एक समय मीरी में हुआ करता था ये 22वें नंबर पर देखने को मिलेगा और इसकी GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $57,812 देखने को मिलेगी।
थोड़ा आगे बढ़ते हुए चर्चा दोस्तों नंबर 6 की करें तो नाम आता है नेदरलैंड्स का। इस यूरोपियन कंट्री ने दोस्तों बड़े बुरे दिन देखे हैं, वर्ल्ड वॉर्स के समय इसने काफ़ी दुख झेले हैं, लेकिन कमाल बात यह है कि कभी भी ना ये दुखों से परेशान नहीं हुआ और हर बार बाउंस बैक किया, हर बार ये अमीर बना। जैसे 1850 में ही देख लीजिए नेदरलैंड्स की, उस समय ना GDP पर कैपिटा दोस्तों PPP के हिसाब से $2,527 हुआ करती थी, और ये उस जमाने का दोस्तों एक रिच देश था जहाँ के लोगों की अमीरी उस समय पूरी दुनिया में नंबर 6 पर हुआ करती थी। लेकिन उस जमाने का 6ठा सबसे ज़्यादा दोस्तों अमीर देश ना आज के दिन आपको देखने को मिलेगा नंबर 13 की रैंकिंग पर, और इसकी GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $68,572 को टच कर चुकी है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए चर्चा दोस्तों अगर हम नंबर 5 की करें तो नाम आ चुका है बेल्जियम का। बेल्जियम दोस्तों ये वही देश है जो चॉकलेट्स एक्सपोर्ट करने के लिए ना पूरी दुनिया में आज के दिन आपको बड़ा फेमस देखने को मिलेगा। इस यूरोपियन कंट्री की दोस्तों GDP पर कैपिटा उस जमाने में PPP के हिसाब से हुआ करती थी $2,590 के आसपास, और यहाँ के लोग आज से 150 साल पहले बड़े ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। लेकिन 150 साल में कुछ खास बदला नहीं है उस जमाने की दोस्तों, ये 5वें नंबर की सबसे जो अमीर कंट्री थी ये आज 20वें नंबर पर ज़रूर आई है, लेकिन GDP पर कैपिटा में अगर PPP के हिसाब से देखें तो आंकड़ा $61,587 को रीच कर चुका है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए दोस्तों नंबर 4 की अगर हम चर्चा करें तो नाम आता है स्पेन। स्पेनिश कल्चर बड़ा ज़्यादा फेमस है दुनिया के अलग अलग देशों में दोस्तों, स्पेनिश कल्चर ना आज के दिन आपको बड़ा ज़्यादा फैला हुआ नज़र आ जाएगा। स्पेन के लोग हमेशा से बड़े अमीर रहे हैं, आज के दिन थोड़ी इनकी अमीरी ज़रूर डाउन गई है, इकॉनमी में कोलैप्स आई हैं, लेकिन 1850 के साल में तो स्पेन की आपको GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $2,616 की देखने को मिल जाएगी। उस जमाने में ये 4थे नंबर की सबसे अमीर कंट्री थी जहाँ के लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा हुआ करता था। 1850 में ये देश दोस्तों दुनिया का 4था सबसे अमीर देश था ना, आज उसकी रैंकिंग गिरते गिरते आपको देखने को मिलने वाली है नंबर 38 की, और इसकी GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $46,413 ही रह गई है। हालांकि दोस्तों बाद में इसने बहुत ही हाई एंड तरक्की तो नहीं की बिल्कुल ही। नंबर 3 की चर्चा करें तो नाम आता है UK यानी यूनाइटेड किंगडम का। यहाँ पर दोस्तों 1848 के साल तक तो ये नंबर 1 था, लेकिन अगले 2 सालों में खेल बदलते बदलते ये नंबर 3 पर आ गया था, और यहाँ से दोस्तों इसकी ना डाउनग्रेड थोड़ी शुरू हो गई थी। UK की उस समय दोस्तों GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $3,223 की हुआ करती थी, जो कि आज के दिन दोस्तों अगर देखा जाए तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा विशाल हो चुका है। और आज के दिन UK की GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $55,301 की है। हालांकि आज के दिन ये 26वां दुनिया का सबसे अमीर देश बनता है, लेकिन उस समय UK ना पूरी दुनिया का 3रा सबसे अमीर देश हुआ करता था। नंबर 2 की ओर बढ़े तो नाम आता है दोस्तों USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस समय ना दोस्तों अमेरिका ने अभी उठना शुरू ही किया था, लेकिन शुरू से ही इसने ना अमीरी अपनी काफ़ी ज़्यादा काबिज कर ली थी। 1850 के साल में दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स की GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $3,299 हुआ करती थी, और उस जमाने में ये दुनिया का 2रा ऐसा देश था जहाँ के लोग ना सबसे अमीर थे। आज के दिन भी ये वैसे दुनिया का 8वां सबसे अमीर देश है, इसकी GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $76,027 देखने को मिलेगी। नंबर 1 की चर्चा करें तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का रुतबा दोस्तों हमेशा बड़ा हाई लेवल का रहा है। 1850 में ये दुनिया का सबसे अमीर देश था, 1900 में ये सबसे अमीर देश था, और 1920 के मामले में भी ये नंबर 1 और नंबर 2 पर ही अमीरी में बना रहता था। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों उस समय GDP पर कैपिटा PPP के हिसाब से $3,430 हुआ करती थी, और उस जमाने में ये दुनिया का नंबर 1 देश था जहाँ के लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा हुआ करता था। लेकिन आज के दिन ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों रैंकिंग आपको नंबर 1 से नंबर 19 की नज़र आएगी, लेकिन GDP पर कैपिटा PPP के मामले में $61,941 का आंकड़ा हो चुका है। वैसे वीडियो के बारे में आपका दोस्तों क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।